तो दोस्तों, इस समय की एक सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है भारत नेपाल और चीन को लेकर। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से भारत ने नेपाल और चाइना की चोरी को रंगे हाथों पकड़ा है और फिर भारत की तरफ से इन देशों के ऊपर सीधा बैन ही ठोक दिया गया है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि अभी भारत के अंदर टमाटर को लेकर काफी ज्यादा किल्लत मची हुई है और इसी कारण से भारतीय बाजारों के ऊपर चाइना अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि चाइना अपना सस्ता टमाटर इंपोर्ट बैन के बावजूद भी भारत के मार्केट के अंदर प्रवेश कराना चाहता है, क्योंकि यहां पर चाइना को अपने टमाटर की 5 से 6 गुना ज्यादा कीमत मिल रही है। और अपने इसी मंसूबे को अंजाम देने के लिए चाइना नेपाल के अंदर से भारत में टमाटर भेज रहा है। दरअसल आप सभी को मैंने कुछ दिनों पहले यह खबर बताई थी कि चाइना और नेपाल दोनों ही भारत के अंदर बढ़ी हुई टमाटरों की कीमत का फायदा उठाना चाहते हैं और अपने सस्ते टमाटर को 5 से 6 गुना कीमत के अंदर भारतीय बाजारों में बेचकर मोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं और भारतीय जनता को लूट रहे हैं। अब इसको देखते हुए भारत ने नेपाल से आने वाले टमाटर और सारी सब्जियों के आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, परंतु इसके बावजूद भी नेपाल की तरफ से ट्रकों में भर भर के टमाटर भारत के अंदर स्मगल किया जा रहा है। और आज यह खबर निकल के सामने आ रही है जो कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट के रूप में देख सकते हो कि जब नेपाल से तस्करी होने वाले 2 वाहनों को भारत की बॉर्डर पुलिस ने पकड़ा तो इसे बॉर्डर पुलिस ने भारत के कस्टम ऑफिस रवाना कर दिया, परंतु कस्टम ऑफिसर के अधिकारियों ने पैसे लेकर इन तस्करों और इनके वाहनों को छोड़ दिया, जिसके बाद भारत सरकार एक्शन में आई है और भारत के कस्टम ऑफिस के जितने भी ऑफिसर थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। और अब भारत सरकार की तरफ से नेपाल के अंदर से तस्करी होने वाली सब्जियों के ऊपर सीधा बैन ठोक दिया गया है और चीन और नेपाल की सारी मेहनत पर भारत ने पानी फेर दिया है। फिलहाल में आप सभी को क्या लगता है और क्या भारत सरकार को ऐसे तस्करों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।